और चलिए सीधे जयपुर एयरपोर्ट का रुख करते हैं और सुनते हैं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को। पहली बात, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ और जब उस जमाने में लंदन देखना बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन मैं द राजस्थान एसोसिएशन को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने राजस्थानी डायस्पोरा के इस आयोजन में मुझे निमंत्रित किया और तमाम उन लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला जो भारत की और राजस्थान की प्रतिभाएं अनेक क्षेत्रों में वहाँ पर अपने झंडे गाड़े हुए हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी राजस्थानियों का एक बड़ा वजूद है पूरे देश में, दुनिया में लगभग 48 देशों के 2 करोड़ लोग भारत के अनेक देशों में निवास करते हैं। हालांकि उपस्थिति 150 से भी ऊपर देशों में है, लेकिन 11 देशों में हमारी उपस्थिति बेहद दमदार है। और मैं जिन लोगों से मिला, बहुत अपेक्षाकृत यंग, टैलेंटेड और आईटी के क्षेत्र में, कॉरपोरेट में, एमएनसीज में एक बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं। उनकी इच्छा राजस्थान में निवेश करने की भी है और अपने जड़ों से जुड़ने की भी। हमने अपील यही करी है उनको कि अपनी विदेश में बेशक नौकरी करें, व्यवसाय करें, लेकिन अपने जड़ों से जुड़ें। एक अच्छा, मन को आनंद मिला, मन प्रफुल्लित हुआ। लोगों ने जिस तरीके से वहाँ हमें जो अभिनंदन किया, जिस तरीके से हम लोगों को एक तरीके से ताकत दी, ऊर्जा दी, निश्चित रूप से ये दौरा मेरे लिए अविस्मरणीय है। और मैं समझता हूँ कि पहले एक कहावत थी कि जहाँ पहुँचे बैलगाड़ी या जहाँ पहुँचे रेलगाड़ी, वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, यानी राजस्थान की पहचान मारवाड़ी के रूप में है। लेकिन अब लगता है कि जहाँ पहुँचे हवाई जहाज, वहाँ राजस्थान जिंदाबाद। ऐसा लगता है कि राजस्थान निश्चित रूप से ऐसा दमदार प्रदेश है, बहुत बड़ा हिंदुस्तान का विशाल प्रदेश, जिसकी गूंज अब मैं ये खुद देख के आया हूँ आँखों से। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे समरस भी हैं और उसकी नतीजा ही है। मैं ब्रिटेन के सांसदों से मिला, उन लोगों का रुख आमतौर पर बहुत बदला है और भारत के पक्ष में